दोस्तों देखिए, हम चलते हैं एप्लीकेशन में। तो दोस्तों एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक तो बैच शो नहीं कर रहा है एप्लीकेशन में, लेकिन देखिए 1 बजे से पहले पहले और 12:10 के बाद बाद एप्लीकेशन शो करने लग जाएगा। ठीक है, शायद देखिए आपको एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जो प्राइवेसी है उसी के कारण से बंद है। लेकिन जैसे ही बैच शो होता है हम आपको बता देंगे। और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए फाइनली जो बैच है वो जैसे ही आएगा हम आपको एप्लीकेशन में बता देंगे। हमने अभी एप्लीकेशन खोल रखा है, तो जैसे बैच शो होता है हम आपको बता देंगे पूरी डिटेल, किस प्रकार ज्वाइन होना है ये भी हम आपको एप्लीकेशन में बता देंगे। आप बेफिक्र रहिए। और देखिए यदि आपके पास, काफ़ी सारे भाइयों ने कल कमेंट किया था कि उनके पास जो है फ़ोनपे गूगल पे वो नहीं है तो वो एप्लीकेशन को कैसे करें, तो देखिए आपको करना क्या है, जो बैच के पेमेंट वाले सेक्शन में जाना है और उससे जो उसकी UPI ID है उसको कॉपी करना है, और फिर आपको किसी अन्य के जो जो भी फ़ोन पे गूगल पे है उसमें जाकर वो UPI ID कॉपी पेस्ट करके आपको वहाँ से पेमेंट कर देना है। आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो हाल फिलहाल कुछ बेच की जानकारी है नहीं, आया नहीं है अभी, लेकिन हाँ बेज आज 1 बजे से पहले पहले एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। इसीलिए हम लाइव आए ताकि आपको लाइव बता सके कि एप्लीकेशन में बेच बाय कैसे करना है। वैसे तो देखिए हमने एक वीडियो डाल रखा है पहले से ही कि बेच को बाय कैसे करना है, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किए हैं कि भाई हमें वीडियो नहीं मिल रहा है, तो इसी कारण हम लाइव आए हैं। तो जैसे ही हमें बेच मिल जाता है, जो बेच है शो करने लग जाता है, तो हम आपको जो है पूरी डिटेल दे देंगे। ठीक है, आप कमेंट करिए कि आपको जो है एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा है क्या, प्लीज कमेंट। हाँ दोस्तों देखिए एप्लीकेशन जो है, देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए अभी नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़े दिनों बाद आएगा। क्यों आएगा थोड़े दिनों बाद? देखिए जो सर्वर है ना वो सर्वर इतना लोडेड नहीं है, खान सर ने बोला। देखिए जो एक लड़के की फीस रहेगी सर्वर कॉस्टिंग वो 4,000 रुपये रहेगी, तो उसी कारण से जो सर हैं बैच को जो है पहले क्या करेंगे, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बैच ला देंगे, फिर जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ला देंगे। फिर देखिए जैसे ही इंग्लिश मीडियम और UPSC का बैच सेपरेट हो जाएगा एकदम, तो फिर आपके BPSC, MPSC, राजस्थान RS, जितने भी JPSC, जितने भी सारे PCS के बैच हैं वो धीरे 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 आ जाएंगे। तो देखिए जैसे ही बैच आने शुरू हो जाएंगे, एक बार UPSC का बैच आ गया तो उसके बाद में जो है आपके ऑफलाइन UPSC बैच भी मिलेगा। देखिए बैच आएगा अभी, थोड़ा वेट कीजिए। सुबह से मैं जानता हूँ, मैं भी सुबह से वेट कर रहा हूँ बैच का। मैंने भी सुबह से बैच का जो है एप्लीकेशन को खोल रखा है, बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ। लेकिन देखिए मैं खान सर के जितने भी बैचेज GS के फाउंडेशन बैचेज हैं उनमें ज्वाइन हूँ, तो सर ने बोला है कि बैच आज आएगा। अब देखिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि देखिए सर्वर भी तो है ना लोडेड, क्योंकि देखिए एक साथ बैच आएगा, बैच जब आएगा ना तो आप में से एक साथ सभी के साथ एप्लीकेशन में शो नहीं करेगा, कुछ कुछ के एप्लीकेशन में शो करेगा, कुछ के नहीं करेगा, क्योंकि देखिए सर्वर इतना लोडेड नहीं। क्योंकि यदि आप खान सर से 2019 से पढ़ रहे हैं, देखिए खान सर ने 7 जून को जो है पढ़ाना शुरू किया था, तो यदि आप वहां से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहले जब सर ने एप्लीकेशन लाया था तब उनके साथ क्या हुआ था, बस इसी प्रॉब्लम से सर जो है एकदम बता नहीं रहे। और यदि आप यूट्यूब पर वीडियो की बात करें सर के चैनल की, तो देखिए कल या परसों वीडियो आने वाला है यूट्यूब चैनल पर, ये हम आपको कन्फर्म बता रहे हैं। आप भले ही अभी जो है ये वीडियो आपके साथ लाइव है, तो आपको कल या परसों में बैच है जो मिल जाएगा। और देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं खान सर के वो देखने के लिए। देखिए मैं खुद अभी एप्लीकेशन में ही हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन बैच अभी नहीं आया है।
देखिए जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में, देखिए एक ने कमेंट किया है कि उन्हें इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टडी मटेरियल्स रहेगा वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगा, और जो आपकी कॉपी है वो स्कैन होकर जो है आएगी, ठीक है ना। आपकी कॉपी यहाँ से स्कैन होगी और फिर जो है सर के पास चली जाएगी वहीं से। और हाँ एक और बात कि आपकी परफॉर्मेंस ये निर्भर करेगी कि आप जो है फ्री पढ़ सकते हैं। देखिए आप एक बार फीस पे कर देंगे, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी कॉपी चेक, देखिए वीकली हर संडे को आपके टेस्ट होगा, उस टेस्ट में यदि आप अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो सर आपको फ्री पढ़ाएंगे। आपका पटना में रहने का खर्चा, आपका जितना भी ऑफलाइन लाइब्रेरी का फीस रहेगा, वो सारा फीस सर पे करेंगे और आपको फ्री पढ़ाएंगे। तो देखिए किस किस भाई की ये मतलब की मनोकामना है कि वो फ्री पढ़ना चाहता है, मतलब मेहनत करना चाहता है, तो देखिए बेच अभी तक तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एप्लीकेशन को देख लेता हूँ, अपडेट तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसे। दोस्तों अभी भी तो नहीं आया हुआ है। दोस्तों देखिए बैच में ज्वाइन होने का प्रोसेस हमने देखिए पहले एक वीडियो में बता रखा है, अभी भी एक भाई ने कमेंट किया है कि उन्हें बैच में प्रोसेस होने का, मतलब कि ज्वाइन होने का प्रोसेस नहीं पता है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही यूपीएससी बैच आपको एप्लीकेशन में शो हो, देखिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है। देखिए यदि आपको एप्लीकेशन दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ दिख रहा है, और यदि स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए। देखिए आपको जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें खान सर का, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि लाइव बैचेस पर क्लिक करना है, ठीक है। लाइव बैचेस पर क्लिक करेंगे ना, तो जितने भी बैच रहेंगे वो सारे आपके सामने शो करने लग जाएंगे। फिर देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही यूपीएससी बैच शो करने लग जाए, तो आपको यूपीएससी बैच पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यूपीएससी बैच पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास में जितने भी, एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, एक क्लासरूम लिखा रहेगा और एक अनाउंसमेंट लिखा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपके जितने जितने फैकल्टीज हैं यूपीएससी के, जितने जितने टीचर रहेंगे वो लिखा रहेगा। फिर देखिए आपको नीचे एक बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा, बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपके पास में जो भी टोटल कॉस्ट रहेगी, जितनी फीस रहेगी वो बता देगा आपको, जितनी भी आपके ईमेल आईडी पर एक रिसिप्ट कट जाएगी उस फीस की। फिर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब देखिए प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि यदि आपके पास में यूपीआई आईडी है, यानी कि देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, अब देखिए यूपीआई आईडी या कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आपके पास में फोन पे, गूगल पे कुछ भी हो आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए काफ़ी सारे के ये प्रॉब्लम रहती है कि जो देखिए सर गरीब बच्चों के लिए ला रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारे पास ना एटीएम या फिर फोन पे, गूगल पे होता नहीं है, तो हम पेमेंट कैसे करें। तो उसका सीधा सॉल्यूशन यही है कि आप क्या कीजिए, वो जो यूपीआई आईडी रहेगी, आप जब पेमेंट बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यूपीआई पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक यूपीआई आईडी मिलेगी। उस यूपीआई आईडी को कॉपी कीजिए और पास में किसी शॉप पर चले जाइए और वहां से आप पेमेंट कीजिए और उसे कैश दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए पेमेंट का वो 10-20 रुपये तो ले सकता है, उसका तो देखिए वो काम है, इसीलिए वो ऐसा करेगा। अब देखिए अभी तक बेच शो नहीं हो रहा है, एक बार हम फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। और देखिए भाई साहब आप भी एप्लीकेशन खोल रखिएगा, यदि आपके एप्लीकेशन में शो हो रहा है तो आप भी बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो एप्लीकेशन है उसमें सभी को एक साथ शो नहीं करेगा, पहले काफी बच्चों को शो करेगा, फिर जैसे 60% को, फिर 80% को, फिर 100% को शो करेगा। अब यदि आपको दिख रहा है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अभी तक तो बैच शो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी बैच शो करने वाला है। जैसे ही बैच आता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप चैनल पर बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही कमेंट के शो नहीं हो रहा है। हमने आपको बताया ना कि बैच देखिए, थोड़ा वेट कीजिए, बैच शो करने लग जाएगा। आपको 12 से 1 के बीच में एप्लीकेशन पर बैच शो करने का बोला है। देखिए हमने आपको पहले ही कहा था कि आपको एकदम पता नहीं चलेगा। हम एक बार फिर से एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं। और देखिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं यदि आप स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप जो है जितना भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं वो मिल सकता है आपको टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों अभी तक बैच नहीं आया है। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप जुड़ सकते हैं इसमें। देखिए आज शाम इस पर लाइव डिस्कशन होने वाला है। देखिए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम का क्या होता है कि जो है सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, आप केवल कमेंट कर सकते हैं, आप केवल टाइप कर सकते हैं, लेकिन इस पर जो लाइव डिस्कशन होगा ना उसमें आप और हम सभी बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। यूँ समझिए कि एक प्रकार से ये प्लेटफॉर्म हो गया, आप और मैं सामने बात करें बस इसी प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है जितने भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक जो है आपको डाल दूंगा। पूरा देख सकते हैं कि पूरी हमने जो है स्टडी मटेरियल्स डाल रखा है। अब देखिए फिर से एक बार ऐप में देख लेते हैं कि बैच आया है या नहीं। तो दोस्तों अभी तो एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा है, लेकिन वेट करते हैं, देखते हैं 1 बजे तक आ जाता है तो। और आप भी बने रहिएगा और आप भी अपने एप्लीकेशन में जाकर स्क्रॉल करिएगा, क्या पता आपके दिख रहा हो, क्या पता मैं उन 60% में ना हूं, लेकिन आप तो हों 60% में तो आपके यहाँ दिख जाए तो। दोस्तों अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बैच अभी शो नहीं कर रहा है एप्लीकेशन में। लेकिन यदि आपके किसी के भी कर रहा है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि आप कमेंट कर पा रहे हैं, कर रहे हैं तो प्लीज एक बार
या फिर क्या कमेंट हमें दिख नहीं रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। या फिर क्या कमेंट हम, हाँ भाई खान सर जी, एस रिसर्च वाला एप्लीकेशन ही है खान सर का। आपके एप्लीकेशन का नाम है खान जी एस रिसर्च सेंटर, आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। हाँ अभी नहीं आया है एप्लीकेशन पर बैच, थोड़ा वेट कीजिए, 1 बजे तक एप्लीकेशन पर शो करने लग जाएगा पूरा। देखिए पटना का खर्चा तो काफ़ी आएगा, लेकिन यदि आप घर से ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप एप्लीकेशन पर अच्छा समय बिताते हैं, तो सर जो है आपको पटना का खर्चा एकदम फ्री पढ़ाएंगे। पटना बुलाकर सर की टीम आएगी, आपको पटना लेकर जाएगी और फ्री पटना में पढ़ाया जाएगा। और भी यदि कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, तब तक हम देखते रहेंगे बैच आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। हाँ अभी बैच शो नहीं हुआ है, बैच जो है 1 बजे के आसपास शो होगा। ऑफलाइन की फीस देखिए, ऑफलाइन की भी ज़्यादा नहीं रहेगी, थोड़ी ही रहेगी फीस ऑफलाइन की। लेकिन देखिए अभी जो है, पहले हाल फिलहाल सर ने कहा है कि एक बार ऑनलाइन सेपरेट हो जाए, जैसे ही आपकी ऑनलाइन में एक दो क्लासेस जो डेमो क्लासेस हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपको ऑफलाइन में भी दे दिया जाएगा। और देखिए काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि EMI, मतलब कि आप भी चाहते होंगे शायद काफ़ी सारे के EMI, यदि आप चाहते हैं EMI पर हो तो यस लिखिएगा एक बार, फिर मैं आपको वो समस्या बता दूंगा कि EMI पर सर करना तो चाहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए EMI पर क्या प्रॉब्लम है ये मैंने फिर भी बताया तो है, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए EMI पर क्या रहेगा, जब आप EMI पर पेमेंट करेंगे ना मंथली मंथली, 1 मंथ का फीस रहेगा आपके 600 रुपये। लेकिन जब आप EMI पर पेमेंट करेंगे तो 600 रुपये जब आप देंगे, तो आप जैसे जैसे 600 600 देते जाएंगे, तो उसके पीछे जो बैंक है ना वो पैसे जो है खान सर के अधिक काटेगी। उसी कारण से सर ने बोला है कि यदि आप एक साथ देते हैं तो आपके जो कोर्स है वो लगभग 7 7.5 के पास पड़ जाएगा। लेकिन आप जब इतना EMI में देंगे ना, तो क्या है कि आपके कॉस्ट महंगा पड़ेगा, फिर वो 7 7.5 हज़ार वाला कोर्स लगभग 9 हज़ार के आसपास चला जाएगा। एक बार देखिए हम फिर से स्क्रॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन को। दोस्तों अभी तक तो एप्लीकेशन में बैच शो नहीं हो रहा है, आपको 1 बजे तक वेट करना होगा, सर ने 12 से 1 के बीच का बोला है। वैसे प्रूफ तो आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले ही, वीडियो डाल करके 12 से 1 के बीच में एप्लीकेशन में बैच शो करने लग जाएगा। देखिए ये एक सिरतू जी हैं, उनके एप्लीकेशन में ये बोल रहे हैं कि बैच आ गया है। देखिए हो गया होगा शायद के जो है ये 60% में हो। क्लासेस देखिए जनवरी से पहले स्टार्ट हो जाएंगे आपके, इतना टाइम नहीं लगेगा जनवरी तक का।
क्लासेस देखिए, जैसे आज एप्लीकेशन पर बैच शो करने लग जाएगा 8 को, तो लगभग 15 से पहले पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखिए 15 से बाद फिर इंग्लिश मीडियम का तो बीच बैच आना है ना। वैसे आप देखिए, खान सर ने बोला है कि वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, लेकिन आप में से जो है कितने चाहते हैं कि खान सर और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं? एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन में। दोस्तों देखिए, अभी तक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बैच नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। आरपीजी देखिए, बैच इंग्लिश मीडियम के लिए जो है थोड़े दिनों बाद आएगा, जैसे 6-7 दिन आपको वेट करना होगा। हाँ देखिए, बाईलिंगुअल रहेगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा। देखिए ये जो राज रोशन जी हैं, उनके पास देखिए एप्लीकेशन में बैच शो करने लग गया है, ये कह रहे हैं। भाई देखिए, ऑप्शनल के लिए सब कुछ रहेगा, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है। देखिए आप भी जो है एप्लीकेशन पर देखते रहे। टेस्ट देखिए, हमने टेस्ट का बोला है ना आपको कि हर वीक टेस्ट होगा, हर वीक एक टेस्ट होगा। यदि उस टेस्ट में आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो खान सर आपको फ्री पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पटना ले जाकर एकदम फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस वो भी। हाँ बैच देखिए अभी 1 बजे के आसपास आएगा, लेकिन कुछ भाई कह रहे हैं कि आ गया है उनके पास तो। हाँ ऑप्शनल पॉलिटी है, पीएसआईआर है ऑप्शनल, जो उसमें राजेश मिश्रा जी सर वो पढ़ाएंगे पॉलिटी, और हिस्ट्री आपके मणिकांत सर पढ़ाएंगे। नहीं, एडमिशन से पहले कोई टेस्ट नहीं होगा, आपको एडमिशन ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए बैच 1 बजे के आसपास होगा, मैं खुद एप्लीकेशन में हूँ, मुझे भी ज्वाइन करना है बैच, इसीलिए मैं आपके साथ आया हूँ ताकि आपको भी बता सकूँ। क्योंकि देखिए सर ने बोला, साफ साफ शब्दों में बोला है कि जो आज बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके लिए फीस सिर्फ 7,000 रहेगी, और जो कल के आसपास ज्वाइन करेंगे उनके लिए 7-7.5 हज़ार के आसपास रहेगी। देखिए अभी शो नहीं कर रहा है, आप में से काफी भाई कह रहे हैं कि आ गया है, लेकिन क्या पता आप लकीली हो 60% में या 80% में, तो आपके शो कर रहा हो। क्योंकि देखिए मेरे एप्लीकेशन में अपडेट भी काफी दिनों बाद आया था, जैसे ही अपडेट आया तो मैंने आपको जो है खबर कर दी थी। तो दोस्तों अभी तो शो नहीं कर रहा है यूपीएससी बैच। वैसे आप में से ये बताइए, कौन कौन भाई ज्योग्राफी को ऑप्शनल लेना चाहता है? देखिए मैं भी ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहा हूँ, तो यदि वो ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहा है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और मुझे पर्सनली मैसेज जरूर करें। नहीं, देखिए कन्वर्ट नहीं होगा, आप जो कह रहे हैं
आपके कन्वर्ट नहीं होगा बेच जो है, आप चाहते हैं कि आप हिंदी में ले लें। आपको जो है ये बात आपको एक बार जो है सर के ऑफिस में कॉल करके पूछनी होगी। मैं आपको जो है यदि आप गए तो ऑफिस के नंबर दे देता हूँ। देखिए ये सर के एप्लीकेशन के ऑफिशियल नंबर हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। इसमें एक एक वन मिसिंग है इसमें। नहीं अभी हमारे बैच में भी शो नहीं करा एप्लीकेशन। 1 मिनट रुकिए मैं वापस नंबर टाइप कर रहा हूँ आपको। ये सर के जो है ऑफिस के नंबर है, आप यहाँ पर कॉल करके पूछ लीजिए कि जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बाद में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। और वहीं से आप कंफर्म भी कर सकते हैं। वैसे आप में से ज्योग्राफी कौन कौन ऑप्शनल लेने वाला है? ऑप्शनल देखिए पहले आपको जो है पहले ऑप्शनल नहीं दिया जाएगा। आज भाई हिंदी मीडियम वाला बेंच आएगा, इंग्लिश मीडियम वाला बेंच नेक्स्ट वीक में आएगा। ऑप्शनल देखिए जो जैसे ही ऑप्शनल आपके मेंस का काफ़ी सारा कवर हो जाएगा ना, जब आप काफ़ी सारे मेंस में हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ने लग जाएंगे फिर उसके बाद में आपको ऑप्शनल दिया जाएगा। और ऑप्शनल प्री सीसेट सब इसी फीस में रहेंगे दोस्तों, एक साथ में ही। नहीं, ऑप्शनल का फीस अलग नहीं देना होगा, इसी में रहेगा। और आज जो बैच है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सर ने कहा है कि उन्हें हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैच जो है 1-2 दिन बाद आएगा। हाँ हिंदी साहित्य भी रहेगा ऑप्शनल सर के पास में। हिंदी साहित्य है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। क्लास देखिए 3-4 दिन बाद शो होगा। हाँ हिस्ट्री मणिकांत सर पढ़ाएंगे। हाँ जब इंग्लिश मीडियम का आएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिए 1 दिन में आप देख लीजिए ना, टोटल पूरी 1200 घंटे की क्लासेस होंगी। पूरी पूरे जो बैच की क्लास रहेगी वो 1200 घंटे की क्लास रहेगी। तो आप देखिए अनुमानित लगा लीजिएगा 1 दिन में कितनी क्लासेस रहेंगी। अब देखिए एक बार फिर से हम एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं कि बैच आ गया है या नहीं आया है। तो दोस्तों लोड ले रहा है लगभग। देखिए अभी तक तो शो नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि 1 बजे के पास ही शो करेगा। बैच 1 बजे के पास ही शो करेगा, आप 1 बजे तक एप्लीकेशन पर बने रहिएगा। हाँ 1 ईयर का कोर्स रहेगा। देखिए 2024 के लिए आएगा वैसे तो बैच, लेकिन देखिए बैच आने के बाद ही पता चलेगा कि 2024-23 के वालों के लिए भी है या नहीं है। भाई देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सर ने अभी तो फैकल्टीज का बताया नहीं है, लेकिन हाँ उनकी टीम पूरी अलग रहेगी इंग्लिश मीडियम की। इंग्लिश मीडियम का सर्वर अलग रहेगा। हाँ भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो खान सर खुद पढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का सोचा है।
हाँ मैपिंग साथ में रहेगी इसी में, बैच में। टाइम देखिए अभी तो हाल फिलहाल 1 बजे के आसपास आने का कहा है सर ने। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, आज शाम 4 बजे जो है आप और हम साथ में लाइव डिस्कशन पर रहेंगे। मैं देखिए टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी पास पोस्ट डाल देता हूँ, आप वहाँ से एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिए यदि आप ऐसे चैनल, हम जो हैं इस पर रोज 4 बजे से लेकर या कभी 7 बजे डिस्कशन करते रहेंगे। मैं एक बार पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ। दोस्तों कनेक्शन छूट गया था, कोई बात नहीं, हम एक मिनट दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट कर दी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आज शाम 4 बजे लाइव डिस्कशन रहेगा वहाँ पर, जहाँ पर आप मुझसे सीधे सीधे बात कर सकते हैं, यूट्यूब की तरह नहीं रहेगा फ्रेंड्स वहाँ पर, इसीलिए हमने जो है वहाँ पर बताया आपको। तो मैं यहाँ पर ये कोई सा भी पोस्ट डाल देता हूँ जहाँ से जो है। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट तो कर दिया है पोस्ट, आप एक बार टेलीग्राम चैनल को शो कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अभी पोस्ट कुछ कारणवश क्रिएट हो नहीं रही है, कोई बात नहीं, मैं जैसे ही लाइव बैच आएगा तो आपके पास में जो है पोस्ट क्रिएट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उधर। हाँ अभी शो नहीं कर रहा है, अभी 1 बजे के आसपास ये बात शो करने लगेगा। हाँ ऑफलाइन बैच भी होगा, जैसे ही ऑनलाइन आएगा तो उसके बाद ही जो है ऑफलाइन बैच शुरू होगा, ऑनलाइन आने के 2-4 दिन बाद। एक बार ऑनलाइन सेपरेट हो जाए अच्छे से फिर ऑफलाइन होगा। देखिए ऑफलाइन जो है, वैसे तो देखिए 2023 में खान सर हैं, आप में से मध्य प्रदेश में से कौन कौन है एमपी से, न्यू ईयर में खान सर एमपी आने वाले हैं। हाँ देखिए ऑप्शनल का मतलब कि 1200 और की मेंस और प्री की क्लासेस रहेंगी, जो ऑप्शनल है वो बाद में रहेगा। दो हजार तेईस में आने वाले हैं खान सर एमपी में, हमने मतलब कि सुबह उन्हें बोला तो है कि वो हर जगह जो है दिल्ली में भी बैच ओपन करें, सर ने बोला तो है दिल्ली में ऑफलाइन बैच ओपन करने का, लेकिन देखिए जहां तक आशा है कि वो पटना में ही ऑफलाइन बैच ओपन कर सकते हैं। एक बार देखिए फिर से हम चेक कर लेते हैं।
जो बैच है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों हमारे तो अभी नहीं हो रहा है, यदि आपके किसी भी भाई के बीच में शो हो रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई एनसीईआरटी की क्लासेस भी रहेंगी। नहीं भाई वो रिकॉर्डिंग का उस पर कोई ऑप्शन मतलब कि आपको यूट्यूब पर जो है नहीं दिखेगा, और सब एप्लीकेशन में शो तो कर रहे हैं बीच बाकी। एनसीईआरटी की जो क्लासेस रहेंगी उनमें सर ने अलग एक सेपरेट टीम बना रखी है जो एनसीईआरटी पढ़ाएगी आपको, और सर भी आपको एनसीईआरटी की क्लासेस लेंगे। मतलब कि देखिए पहले आपको एनसीईआरटी ही कवर कराई जाएगी, पहले आपका बेसिक मजबूत किया जाएगा, आपका बेस जितना भी है उसे मजबूत किया जाएगा। अब देखिए जो बच्चे एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं उनके लिए इसी कारण से भाई सर ने जो है अभी एमपी में किस लोकेशन पर आएंगे वो तो अभी पूरा कंफर्म बताया नहीं है। बैच आ जाएगा अभी 1 बजे के आसपास। अभी 1 बजे के आसपास बैच आएगा। एक बजे बेच जो है 1 बजे के बाद ही आएगा, थोड़ा वेट कीजिए आप। हाँ 1 बजने वाले हैं तो 1 बजे आएगा। देखिए अभी तक हाँ सर ने 2 फैकल्टीज बताई हैं, लेकिन जब बेच आएगा ना तो उसमें पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि उसमें जो बैच है वो कहाँ कहाँ बैच में कौन कौन से टीचर रहेंगे वो पढ़ाएंगे, और आपके जो हिस्ट्री और पॉलिटी दो सर बताएं अभी, लेकिन जब सर यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले हैं कल, तो कल वीडियो बनाएंगे ना तो उस वीडियो में सर ने कहा है वो पूरी फैकल्टीज के बारे में आपको डिटेल दे देंगे। और सर के जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो है खान जीएस रिसर्च सेंटर। हाँ देखिए 1-2 बजे के आसपास ही आएगा, सर ने बोला तो ऐसा ही है, लेकिन देखिए जैसे ही बैच आएगा तो हम आपको बता देंगे पूरा। देखिए अभी तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप हमारे एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सभी जरूर। भाई मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने वाला हूँ। और जो है देखिए वैसे तो मैं 2024 में ही एग्जाम देना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंटली एज नहीं है 2024। हाँ भाई बेच जो है 1-1.5 बजे के आसपास ही दिखेगा, अभी शो नहीं कर रहा है। आप सभी में से देखिए जो जो भाई हैं लाइव जुड़ना चाहते हैं आज शाम टेलीग्राम पर, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मैं एक बार फिर से टेलीग्राम चैनल का लिंक देने की कोशिश तो कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आज शाम को हमारे साथ में आप लाइव जुड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स पता नहीं अभी क्या हो रहा है, लिंक काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ कि यदि आपको मिल जाए तो।
तो देखिए देखता हूँ यदि बन पाता है पोस्ट तो आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से। आज शाम जो है आपको लाइव जुड़ जाइएगा आप एक बार, जिसमें जो जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे वहां पर। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से कमेंट जो है कमेंट में कर कमेंट करते हैं। तो देखिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, देन आपके पास में जो ये क्रोम ओपन कर देगा। और फिर आपको व्यू चैनल पर क्लिक करके जो है ज्वाइन वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है काफी है, और आज हम जो है यहाँ पर ज्योग्राफी की पीडीएफ डालने वाले हैं बाकी की। एक बार देखते हैं बैच आया है या नहीं आया है अभी। हाँ देखिए वेट वेट तो अब हमसे भी नहीं हो रहा है। हाँ देखिए 100 1-1.5 बजे के आसपास तो होगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं बेच का। सो देखिए या तो सभी के एक साथ करेगा या फिर देखिए 60-80 इस प्रकार शो करेगा, जिस प्रकार एप्लीकेशन अपडेट आया था ना उसी प्रकार से। अब देखिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट जो है क्रिएट कर दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम एक बार। तो यहाँ से क्या है कि आप आज शाम 4 बजे जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव डिस्कशन में। भाई देखिए जिन जिन को बात करना है ना वो आज शाम टेलीग्राम पर आ जाएगा। मैंने टेलीग्राम के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए लिंक से। हाँ देखिए अभी किसी के नहीं आया है, आप 1 बजे तक वेट करते हैं, क्या पता 1 बजे के आसपास आ जाए तो। और जो देखिए बीपीएससी ये स्टेट पीसीएस के जितने भी बैचेज हैं वो यूपीएससी के बाद रहेंगे। एक बार जब यूपीएससी का बैच पूरी तरह सेपरेट हो जाएगा, क्लासेस एकदम रेगुलरली चलने लग जाएंगी, तो फिर जो है स्टेट पीसीएस का भी आ जाएगा। क्या मतलब कि आप में से कोई जो है सर के जीएस फाउंडेशन कोर्स में है? यदि कोई जीएस फाउंडेशन कोर्स में है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। और सर ने आज सुबह क्या बोला है वो एक बार इन सभी को बता दीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार। एक बार हम फिर से चेकअप कर लेते हैं बेच का। तो मैं देखिए अभी एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी तक तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन 1-1.5 बजे के आसपास ही करेगा हमारे ख्याल से। हाँ देखिए सर ने मतलब कि देखिए कन्फर्मेशन कर दिया 12 से 1 के बीच में। सर भी नहीं चाहते हैं कि आप इतना वेट करें, लेकिन जो सर्वर की दिक्कत आ रही है वो आ रही है फ्रेंड्स। देखिए पहले जो सर्वर को सर खरीदना पड़ता है ना,
एक बच्चे का सर्वर का फीस है 4,000 रुपये। अब देख लीजिए, चार आप जो 7,000 देंगे उसमें से 4,000 तो सर्वर का चला जाएगा, 3,000 रुपये में आप सर को आपको सर पूरी यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे, और उसमें भी यदि आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको फ्री, एकदम फ्री क्लासेस दी जाएंगी ऑफलाइन में। एक बजे तक देखिए वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम जो है कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं ऑफिस में कॉल करके, और यदि आप में से भी किसी को डाउट है ऑफलाइन का तो आप एक बार फिर से बोल दीजिएगा, मैं ऑफिस का नंबर टाइप कर देता हूँ। देखिए ये सर के जो है ऑफिस के नंबर हैं, आप इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि यदि आपके कोई समस्या आ रही तो पेमेंट की एप्लीकेशन में या फिर कुछ भी। अब देखिए 1 बजने वाला है तो देखते हैं एप्लीकेशन में शो होता है या नहीं होता है, जैसे ही शो होता है तो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पूरा। देखिए फ्रेंड्स अभी तक तो नहीं शो कर रहा है, 1-1.5 बजे के आसपास ही शो करेगा। वैसे आप में से 2024 में कौन कौन एग्जाम देने वाला है? 2024 में देखिए आज 4 बजे टेलीग्राम पर जो है लाइव डिस्कशन होने वाला है, वहाँ पर आप जुड़िएगा जरूर। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इधर कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। भाई क्या तो 2022 में दिया है तो क्या मतलब कि आपके मेंस या प्री आपके कहाँ दिक्कत आई थी? एक बार देखिए अब जस्ट 1 बजने वाले हैं तो हम एक बार एप्लीकेशन में जाकर फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 बजने में अभी 1 मिनट बचा है, एप्लीकेशन तो हमने ओपन कर लिया है, चेक कर लेते हैं आया है या नहीं आया है। फ्रेंड्स अभी तक तो शो नहीं कर रहा है, 1 बजे तक और देख लेते हैं, 1 बजने में 1 मिनट कट रहा है तो। तो देखिए एक तो बच चुका है, अब देखते हैं क्या वाकई आ गया है कोर्स।
देखिए मैं तो बड़ा एक्साइटमेंट हूँ, यदि आप में से कोई भी एक्साइटमेंट है इतना, मतलब कि मेरे जितना, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी। दोस्तों यार हमारे तो अभी भी शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। यदि आप में से किसी के आया है, एक बज गए हैं, तो एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए हमारे मतलब कि 1 बजे का बोला तो 1:01 हो गया है, लेकिन अभी तक तो शो नहीं कर रहा है, शायद 1:30 के आसपास ही करेगा। अभी पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। यदि आप में से किसी भाई के कर रहा है तो एक बार प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कोर्स आ चुका है। भाई किसी के एप्लीकेशन में शो कर रहा है बेस, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ शो कर रहा है। और सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक इधर दे रखा है, तो यहाँ से जुड़ने से क्या होगा कि आप हमारे साथ सीधे संपर्क में आ जाएंगे। भाई जो ये देखिए भाई कई सारे लोग कह रहे का नहीं, ऐप को दोबारा अपडेट नहीं करना है, ऐप में एप्लीकेशन में एक बार ही अपडेट आएगा। हाँ भाई देखिए झूठ मत बोलेगा यार, जिस चीज के आया ना वो सच सच बता दीजिएगा, क्योंकि जो एक्साइटमेंट है ना अंदर की उसे रोक नहीं पाएंगे फिर। जिसके जिसके आए ना वो सच सच बताइएगा, और जिसके नहीं आए हैं वो सच सच बताइएगा कि नहीं आया, इसमें क्या है, वेट करेंगे हम भी आपके साथ में। देखिए अभी तो नहीं आया है हमारे तो, यदि आप में से किसी के एप्लीकेशन में शो हो रहा है तो प्लीज हमें भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, फीस कितना है, हमारे पास तो अभी शो नहीं कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन में, और आप भी चेक करते रहिएगा एप्लीकेशन में, और यदि आ गया है तो फिर से आकर इन्फॉर्मेशन देना मत भूलिएगा, ऐसे नहीं हो के फिर वापस। अभी तो शो नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी तो वही एसएससी सीडीएस के शो हो रहे हैं। दोस्तों आप में से आईएएस कौन कौन बनना चाहता है, जिसकी सपना होता है ना किसी का आईएएस आईपीएस, सब तैयारी तो यूपीएससी की कर रहे हैं,
बट देखिए मेरा तो सपना आईएएस बनने का ही है, इसीलिए मैं सर के बैच को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मैं 2025 में एग्जाम दूंगा, तो कोई मेरा कंपिटिटिव है तो एक बार हाय जरूर टाइप कीजिएगा। और वेट करते हैं बैच आने का। दोस्तों अभी तक तो शो नहीं करा एप्लीकेशन में बैच। देखिए दोस्तों जो भाई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसके पीटी का रिकॉर्डेड बैच तो अवेलेबल है सर के क्लासरूम में, लेकिन वो देखिए 30 दिसंबर के बाद एंड हो जाएगा, इसलिए उसे आप बाय मत कीजिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए 30 दिसंबर तक ही है, तो उसको बाय करने का कोई चांस ही नहीं रहता है। बीपीएससी का न्यू बैच भी आने वाला है, तो आप उसे ही बाय कीजिएगा। अच्छा तो मतलब कि हाँ भाई बेस तो सोना ही कर रहा है। तो मतलब कि ऐसे तो 2025 में तो मेरे इतने कॉम्पिटिटिव है नहीं लगता है। नहीं अभी बैच नहीं आया है, थोड़ा वेट कीजिए बैच शायद 1:30 बजे के आसपास आ जाए। तो सर ने बोला तो 1-2 बजे के आसपास ही था, पर क्या हुआ अभी। बट इतना तो कन्फर्म है कि बैच आज पक्का आएगा। ये कौन कौन मानता है कि बैच आज आ जाना चाहिए, कौन कौन चाहता है बैच आज ही आना चाहिए। मैं तो जो है यही चाहता हूं कि बैच आज आ जाए कंफर्म 100%। और कल जो है आपको सारे फैकल्टीज के बारे में पता चल जाएगा, कितने फैकल्टीज रहेंगे बैच में। एक बार सर का ऑफिशियल चैनल भी चेक कर लेते हैं, वहां पर कुछ आया है तो। दोस्तों हमने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर रखा है, लेकिन अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ये देख सकते हैं आप, रमेश मिश्रा जी सर और मणिकांत जी सर। दोस्तों अभी तक बैच नहीं आया है, शायद आना तो आज ही चाहिए फ्रेंड्स। हाँ भाई अभी नहीं आया बेस, थोड़ा वेट कीजिए। 2026 यानी कि हमसे 1 साल आगे देखे आप एग्ज़ाम, मैं 2025 में दूंगा। और देखिए सपना तो यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दें। भाई एक यूपीएससी ज्वाइन कर लो तो फिर पॉलिटी और मैप क्लास मत ज्वाइन कीजिएगा आपको, क्योंकि वो जो है आपके यूपीएससी वाले में ही सोल्व हो जाएगा। मैप की क्लासेस जो हैं आपको उसमें मैप के साथ साथ पढ़ाया जाएगा आपको जितना भी रहेगा, और पॉलिटी है जो वो आपको पूरी बेसिक से पढ़ाई जाएगी। पहले आपके एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी आपको खान सर भी पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने कहा है एक टीम तैयार की है एनसीईआरटी की पूरी।
और भी यदि आपके कुछ ऐसे डाउट्स हों, जैसे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे मन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो आप दे नहीं सकते, इसीलिए मैंने जो है टेलीग्राम का चैनल डाल दिया है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है। ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम को जो है 4 बजे हम आपसे लाइव डिस्कशन पर आ जाएंगे, वहाँ पर आप जो है अपनी भी बात रख सकते हैं, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। और इसका लिंक जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में दे रखा, आप वहाँ से देख सकते हैं। भाई अभी तो नहीं आया आज, हाँ बेच आज ही आएगा, कंफर्म तो है। भाई देखिए एनसीईआरटी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने आप से, लेकिन सर के बेच में भी एनसीईआरटी रहेगा। मैं राजस्थान से हूँ, जहाँ पर देखिए पहली बार 1952 में जो है नागौर में जहाँ पर पंचायती राज लगा था ना, वहीं से हूँ मैं। यदि मेरे आसपास का कोई है राजस्थान नागौर तो भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ अभी शो नहीं कर रहा है, 1-1.5 बजे के 1.5 बजे के आसपास देखते हैं। हाँ भाई फाउंडेशन कोर्सेज हैं, मैंने भी फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स में ऐसी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होती हैं, सर की नोट्स पीडीएफ अवेलेबल होती है फाउंडेशन कोर्सेज में। यदि आप में से कोई भाई हैं जो 2026 या 27 में एग्ज़ाम देने वाला है तो वो पहले एक बार फाउंडेशन कोर्स कर लें। मेरा तो यही मानना है कि यदि आप एक बार फाउंडेशन कोर्स कर लें ना तो आपके बेसिक इतना कवर हो जाएगा कि फिर आपके जो यूपीसी का कोर्स है वो आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए भाई पीडीएफ आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो है राजस्थान से हूँ, राजस्थान में नागौर से। यदि मेरे आसपास का कोई है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ पर कोई भी यूपीएससी की तैयारी तो नहीं करता है, यूँ समझ लीजिए। तो इसी कारण से यदि कोई है तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी एक बार। हाँ भाई देखिए पैसा तो यार दिल्ली में वगैरह में सब जगह लगता ही है, लेकिन अब नहीं लगेगा, अब आपको बेफिक्र रहना है, पैसे की आपको कोई चिंता नहीं रखनी है, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। पैसा नहीं है ना तो खान सर आपको फ्री पढ़ाएंगे। हाँ भाई यूपीएससी का पूरा कोर्स आएगा, भाई यूपीएससी का बैच आज ही आने का बोला है सर ने, 1 से 2 के बीच में। बिहार से काफी है ना? हाँ ऑप्शनल में हिंदी साहित्य रहेगा, हिंदी साहित्य रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा। हाँ भाई फिर भी सिटी में तो कोई कोई करता रहता है, हम तो बस छोटे से गांव में रहते हैं। नहीं मैं इस टाइम अपने गांव में ही हूँ भाई, अपने ही घर में रहकर तैयारी करता हूँ यहीं पर।
देखिए सही तो सभी रहते हैं, लेकिन देखिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, यूं बताऊं तो वो हिंदी साहित्य का चल रहा है। जो भी टॉपर्स हैं आप देख सकते हैं, उनके हिंदी साहित्य अधिकतर रहता है। आप बस अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा ऑप्शनल कि आपकी रुचि किस में है, आप किसी भी सब्जेक्ट को दूसरों को कितनी आसानी से समझा सकते हैं, ऑप्शनल आप इसी अकॉर्डिंग लीजिएगा। हाँ यूपीएससी भाई 2024 का बैच रहेगा। भाई देखिए हिंदी साहित्य में तो मैंने अभी इतना जो है, देखिए ऑप्शनल यदि आप अधिकतम 3 मंथ पढ़े ना तो आपके काफी कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी देखिए आज हम शाम 4 बजे टेलीग्राम पर ज्वाइन होंगे, तो वहां से हम लाइव डिस्कशन पर आप जितने भी क्वेश्चन है वो आप हमसे सीधे बात करके पूछ सकते हैं, और तब तक बेच भी आ जाएगा, तो बेच के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। भाई 1 साल का कोर्स रहेगा, 1200 घंटे की क्लासेज रहेंगी, जिसमें ऑप्शनल की जो क्लासेज है वो अलग रहेंगी। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, क्या पता सो हो रहा है क्या एप्लीकेशन में, वहां बेच आ जाए और मैं इधर आपसे बातें करता ही रह जाऊं। फ्रेंड्स अभी तो सो नहीं हो रहा है, लेकिन लगता तो है आप भी यही उम्मीद रखेगा कि बैच आज ही आ जाए, अब और देरी नहीं होती हमसे। आज नहीं आया ना तो मैं सीधा बोल रहा हूँ सर को कॉल करूंगा आज फिक्स से, और जो सर बात बताएंगे ना वो मैं सीधे आपके साथ जो है लाइव में बता दूंगा। अभी तो देखिए मेरे पास जो फोन ये एक ही है तो मैं कॉल कर नहीं सकता हूँ। भाई बेच बेच आपको देखिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का नाम है खान सर ऑफिशियल। भाई तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो यही है कि एप्लीकेशन पर बेच लोड करने की तैयारी हो रही है, मुझे तो यही लगता है, शायद बिजी होंगे तभी, तो लगता तो ऐसा ही है। हाँ एप्लीकेशन पर शो करेगा। भाई देखिए एक दूसरा नंबर भी है, आप एप्लीकेशन में जो है कॉन्टेक्ट अस वाले पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन में जो है स्टूडेंट हेल्पलाइन का पोर्टल है उस पर जाकर क्लिक कीजिए, और वहाँ पर एक कॉल वाला ऑप्शन है उस पर कॉल कर लीजिए आप, ठीक है। एक साल की होती है भाई फाउंडेशन क्लास की वैलिडिटी। अब देखिए यूपीएससी का तो अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन सर के फाउंडेशन कोर्स की वैल्यू 1 साल तक होती है। पर डे देखिए 6 घंटे की क्लासेस तो रहेंगी रहेंगी, जितना आप बता सकते हैं उतनी तो। हाँ 1 ईयर का रहेगा सब्सक्रिप्शन शायद, पर डे ये 6 घंटे के आसपास क्लासेज रहेंगी, क्योंकि फिर आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन करना है, नोट्स भी बनाने हैं, 6 घंटे के आसपास चल सकता है शायद। नहीं भाई मेरे भी ऐप में शो नहीं कर रहा है बेच अभी तक तो, यदि आपके किसी के कर रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। देखिए 1:30 बजे तक हम देख लेते हैं लाइव रहकर, नहीं तो फिर मैं ऑफिस में कॉल करता हूँ। नहीं एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा,
नहीं अभी तो थोड़ा देखिए 1 बजे क्या 1:30 के आसपास आएगा। हाँ ऑफलाइन में भी टेस्ट तो होंगे ही ना। भाई दिव्या श्री जी आप 2 मंथ्स के बाद कौन सा एग्जाम देने वाले हैं? एक बार आप बता दीजिएगा। हाँ अभी नहीं आया है, देखिए वेट करते हैं। सुबह से देखिए दोस्तों मैं बार बार एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, ऐसा किस किस के साथ हुआ है आज ये बताइए आप। तो सुबह से कौन कौन एप्लीकेशन को बार बार ओपन कर रहा है? मैं तो सुबह से पता नहीं कितनी बार एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ कि बैच आ गया या नहीं आया। यूपीएससी जोड़ने के बाद एसएससी का क्लास लॉक हो जाएगा? नहीं देखिए एसएससी का क्लास चलेगा, आपके जितने भी बैच आप ज्वाइन कर चुके हैं वो रहेंगे। देखिए 100 अभी तक तो शायद तक किसी के 100 नहीं कर रहा है बैच मुझे लग रहा है, लेकिन यदि किसी के कर रहा है तो एक बार प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए। हमारे तो देखिए अभी सो नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन पटना में होगा, पटना में होगा ऑफलाइन। और देखिए आप जो कह रही हैं सोनल जी कि यूपीएससी का ज्वाइन करने के बाद जो एसएससी का क्लास लॉक हो जाएगा, मतलब कि यदि मैं समझ पा रहा हूं तो क्या आप यही कहना चाहती है आपने एसएससी का बाय कर रखा है क्या सर के वहां से? यदि आपने एसएससी का बाय कर रखा है जीडी का, शायद यही लग रहा है मुझे, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो कोर्स आपके पास रहेंगे, दोनों रहेंगे। हाँ अभी शो नहीं कर रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एप्लीकेशन में, शायद अपडेट आ गया हो तो फिर शो नहीं कर रहा है तो। और आप भी चेक कर लीजिएगा, यदि मेरे आया तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं अपडेट वपडेट तो नहीं आया है, एक बार चेक कर लेता हूँ इसका वर्जन। ऑटो अपडेट है फ्रेंड्स, देखिए 24 नवंबर को लास्ट अपडेट आया था मेरे तो। फ्रेंड्स अभी तो शो नहीं कर रहा है एप्लीकेशन में बैच, लेकिन वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर और लगाते हैं सर बैच को। देखिए कॉल भी कोई रिसीव कर नहीं रहा है ऑफिस में, लगता तो यही है बैच आने वाला है। भाई पटना में ही होगा ऑफलाइन तो। देखिए भाई हाँ ऑफलाइन का फीस थोड़ा अलग रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा बस उतना ही रहेगा। आप देखिए भाई एक बार एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और वहाँ से जो है हेल्प में ना अबाउट अस वाला उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सर के जो दूसरे नंबर मिल जाएंगे उस पर कॉल करके देख सकते हैं आप। और मैं आपको देखिए एक और नंबर दे देता हूँ, आप उस पर ट्राई कर लीजिए।
हाँ ऑफलाइन में इतना ही रहेगा शायद, 10,000 तक। देखिए एप्लीकेशन में आप जब कोर्स बाय करेंगे ना तब आएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए एकदम फ्री तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इधर जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इधर ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। एकदम फ्री है, आपको सारी एप्लीकेशन पर जितने भी रहेंगे वो आपको दे दी जाएंगे। नहीं, आपको जो जो पीडीएफ चाहिए ना टेलीग्राम में, मैंने अपना जो है आपको आईडी बता रखा है, वहां पर आप मैसेज कर दीजिए एक बार कि आपको किस किस की चाहिए, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। मैं आपको एक और नंबर चेक कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो देखिए मैंने पहले ही बताया था ना कि एप्लीकेशन में जो बैच है वो SS होगा, 50%, 60%, 80%, देन 100%, क्योंकि एक साथ सभी के साथ 100 होगा ना। तो आप अपने ऊपर ले लीजिए ना कि आप एक साथ कोई काम कर नहीं सकते हैं, तो आप धीरे धीरे कोई काम करेंगे। इसी कारण सर ने जो है पहले थोड़े लोगों को दिया है। नहीं, अभी एप्लीकेशन पर 100 तो नहीं कर रहा है हमारे, तो यदि आपके कर रहा है तो आप बता सकते हैं। अब वो पीडीएफ अपलोड नहीं किया है सर ने अभी, इसी कारण से नहीं आ रहा है पेज में। देखिए मैं आपको एक और नंबर दे रहा हूँ, आप चाहें तो उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ये नंबर है। हाँ भाई, बेच अभी तक तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन शायद लगता तो यही है, 1:30 बजे के आसपास आ जाना चाहिए। अभी देखिए यदि 1:30 बजे के आसपास नहीं आता है तो लगता है बेच आज शाम को आएगा। ये जो मैंने अभी नंबर टाइप किए हैं वो सर के ऑफिशियल के हैं, ऑफिस के ऑफिशियल नंबर हैं, आप उन पर एक बार कॉल करके देख लीजिएगा। भाई 1:30 तो बज गए। आप भाई एक बार एप्लीकेशन को जो है अनइंस्टॉल कीजिए पूरा, और फिर एक बार इंस्टॉल कीजिए। आप जो विवेक राज जी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रहा है, तो देखिए एप्लीकेशन तो कब का अपडेट आ चुका है। यदि आपके नहीं आया है ना, देखिए जिन जिन भाई के एप्लीकेशन अपडेट नहीं आया है वो एक बार एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए और फिर से इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। हाँ देखिए 1:30 बजने वाले हैं, 2 मिनट घट रहे हैं। जैसे ही 1:30 बजते हैं हम देखते हैं एप्लीकेशन में जाकर, बेच आ गया तो मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, फीस कितना है, कौन कौन से टीचर हैं बेच में। तो फिर देखिए लग रहा है यही है, इस नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है ना, तो यही है कि बेच आज आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है यही है कि सर ने आज जितने भी ऑफिस के मोबाइल हैं वो बंद करके रखे हैं, क्योंकि सर ने आज सुबह अनाउंस कर दिया है बैच आ जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चे कॉल कर करके पूछ रहे हो, पूछना चाहते होंगे ना बैच कब तक आएगा, कब तक आएगा, इसी कारण से। तो भाई आपने डिलीट करके दोबारा डाउनलोड किया है तो क्या आपके अपडेट आया हुआ है भाई एप्लीकेशन का वर्जन देख के प्ले स्टोर में जाकर? देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है आपको वर्जन। आपको सबसे पहले जो है अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है? फिर यहाँ पर टाइप करना है खान सर ऑफिशियल ऐप। अब देखिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन को आपको इधर क्लिक करना है, और देखिए जो लास्ट अपडेट है ना इस पर क्लिक करना है। आपको एप्लीकेशन का वर्जन देखना है, आपका वर्जन कौन सा है।
यदि वर्जन है तो ठीक है, नहीं है तो आपके फिर थोड़ा रुकना होगा आपको 1-2 दिन और, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए आपके एप्लीकेशन का वर्जन कौन सा है। तो देखिए 1:30 बज गए, हाँ 1:30 बज गए, चेक करता हूँ मैं एप्लीकेशन पे बैच शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं दोस्तों देखिए अभी तक तो बैच शो नहीं हो रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है ये। सुबह से स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं भी, मैं जानता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन शो ही नहीं कर रहा है पेज, पता नहीं। यदि आप में से किसी ने ट्राई किया हो एप्लीकेशन में जाकर तो देख लीजिएगा एक बार। देखिए दोस्तों अब यदि पेज आएगा आज तो मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। भाई यार तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही लेना चाहिए, आप वेस्ट बंगाल से हैं। देखिए भाई यूपीएससी में आपको हिंदी मीडियम में ले रहे हैं बेस, तो आपके हिंदी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आप हिंदी मीडियम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मेरी तो यही सलाह कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही लेना चाहिए। अब बाकी देखिए, हाँ बोलिए भाई क्या बात है आप। और भाई खान सर इंग्लिश मीडियम में भी बेच लाएंगे। हाँ देखिए खान सर हिंदी में रहेंगे ये बात सही है। हाँ अभी तक तो शो नहीं कर रहा है लेकिन देखिए आपका सही है कि हाँ अलग होता है भाई, लेकिन जब आपको हिंदी अंडर आप समझ सकते हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते हैं तो आप एग्जाम किस प्रकार, मेंस में आंसर राइटिंग किस प्रकार करेंगे। आपका देखिए जो भी डाउट है ना आप हिंदी बोल सकते हैं, तो आप देखिए इधर जाइएगा कम्युनिटी में, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम आप वहां पर जुड़ जाइएगा 4 बजे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जुड़ जाइएगा आप, ठीक है। इंग्लिश आती है तो कोई बात नहीं भाई, इंग्लिश आप इंग्लिश मीडियम में लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिएगा इंग्लिश मीडियम से ही, कोई बात नहीं। अभय जी आप बोल रहे हैं शो होने लगा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं फ्रेंड्स अभी तक बैच शो नहीं हुआ है। अभी तक बेस शो नहीं हुआ है बट
सात 7,500 रुपये फीस है बेच की। देखिए एप्लीकेशन में बेच का आ गया, देखिए पीडीएफ रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा आपको, जो मैं एक बार देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर अलाउ नहीं है तो मैं आपको बता देता। अब आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, एप्लीकेशन में शो कर गया है बेच। टाइमिंग में बता दूं आपको, सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक टाइमिंग है बेच का। दोस्तों बेच आ गया है, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। 7,500 फीस है बेच की, हाँ सही बताएं अभी जी। बेच आ चुका है, अब देखिए हम आपको फिर अभी बता देंगे। देखिए हमने कहा था 1:30 बजे के आसपास आ जाएगा, तो देखिए बेच तो आ गया है। अब आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, 7,500 रुपये फीस है दोस्तों बेच की। 13 दिसंबर से क्लासेस लगेंगी आपके, जो ये आने वाली 13 दिसंबर है उसी से। हाँ भाई बेच आ रहा है, तो एक बार दोस्तों मैं फिर से जो है टेलीग्राम पर भी बता देता हूँ जिन भाइयों को, जो भाई ज्वाइन है तो। फ्रेंड्स पता नहीं कि आज मेरे इस कीबोर्ड को भी क्या हुआ है, एक बार रुकिए मैं इधर से ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओहो दोस्तों, यूपीएससी बैच आ चुका है खान सर का, आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना लेकर आया हूँ। बैच की फीस है 7,500 रुपये मात्र। यस यस बैच आ गया है, ओपन हो जाएगा, आप वेट कीजिए थोड़ा, अभी बैच लोड हो रहा है। मैंने कहा था ना कि सर्वर की दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा हो नहीं रहा है। 7,500 रुपये फीस है, मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ, और सुबह 11 से लेकर शाम 3 बजे तक क्लासेस लगेंगी बेच की। दोस्तों आप एप्लीकेशन पर चेक कीजिए एक बार, शायद शो करने लग गया है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों का साथ में है। करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे आपको, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट सेशन रहेगा। सात हजार 500 रुपये फीस है दोस्तों, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक क्लासेस रहेंगी, और 13 दिसंबर से, आपको बता दूं 13 दिसंबर से क्लासेस चालू होंगी। आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर एक पोस्टर बैनर दिखा हुआ मिलेगा, मेंस प्लस प्रीलिम्स का। पर डे आपके जो है देखिए 11 से 6 3 तक क्लासेस रहेंगी, तो आप अनुमानित लगा सकते हैं कितने घंटे की एक दिन की क्लासेस रहेंगी। टोटल आपके 1,200 घंटे की क्लासेस रहेंगी, और फीस है आपके 7,500 रुपये मात्र। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया था कि फीस बहुत ही कम रहेगा, और अब देखिए दोस्तों इससे कम तो और सर क्या कर सकते हैं। हाँ भाई आ गया है, भूमिका जी आ गया है, अभय जी बेच आ गया है, आप ज्वाइन, देखिए ज्वाइन तो अभी नहीं हो रहा है, अब हम अभी आपको बता देंगे ज्वाइन किस प्रकार करना है, एक वीडियो बनाकर पूरा सेपरेट, जब बेच पूरी तरह शो करने लगेगा तो।
हाँ भाई बेच आ गया है। हाँ देखिए पीस एक साथ ही जमा करनी होगी पूरी। हाँ बेच खरीद सकते हैं आप। हाँ पोस्टर देखिए, पोस्टर आया है तो बेच भी आएगा ना। पोस्टर देखिए मतलब कि बेच अब क्या है थोड़ा, नहीं भाई क्लासेस लाइव रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेगी बेच में पूरा, सुबह 11 से लेकर शाम 3 बजे तक एकदम लाइव क्लासेस रहेंगी। हाँ भाई पोस्टर आया है बट बेच आ रहा है, बेच अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा वेट कीजिए, सर्वर का भी तो फिक्र कीजिए। पैसे देखिए आप अभी देखते हैं, बेच आता है तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार आपको। भाई देखिए इनरोल आपको मैंने बताया है ना कि आपको एक वीडियो डाला है जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट बना रखा है। मैंने देखिए एक वीडियो बनाया है जिसका मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है ये वाला, इस पर जाकर आप जो है इसमें देखिए बताया गया है बेच किस प्रकार ज्वाइन करने हैं। हाँ बेच आज ज्वाइन हो चुका है दोस्तों। एप्लीकेशन में जाइएगा ना तो आपको सबसे ऊपर जो लाइव बेचेस दिख रहे हैं ना वहां पर आपको यूपीएससी बेच शो करने लग गया है। 7,500 रुपये उसकी फीस है और सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक क्लासेस रहेंगी आपको। हाँ भाई पोस्टर है ऑफलाइन, भाई आपको 4-5 दिन वेट करना होगा अभी ऑफलाइन में। थोड़ा बेच अपलोड हो रहा है फ्रेंड्स। भाई इनवॉल्व करके, हाँ हाँ भाई मैंने देख लिया है आपका कमेंट इनवॉल्व करने का। भाई हिंदी मीडियम का बेच है। भाई देखिए बैच इंग्लिश मीडियम का आएगा। भाई परचेज के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, 2 बजे तक वेट कीजिए आप, 2 बजे तक, बस मैं कह रहा हूँ ना। अरे भाई मैंने आपका कमेंट देख लिया है आप जो कह रहे हैं इनवॉल्व करके, बट यहाँ पर देखिए सर के बैच में आप खुद समझ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना भी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको लाइव क्लास में जो है इनवॉल्व में जाकर कैसे दिखाऊं। आप 2 बजे तक वेट कीजिए, 2 बजे के बाद हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे हैं जिसमें इन्वॉल्व कैसे होना ये बताया जाएगा, ठीक है। भाई इंग्लिश वालों के लिए भी जल्द ही आएगा, मैं भी भाई यूपीएससी की तैयारी करता हूं और 2025 में एग्जाम दूंगा। बीपीएससी का बैच फ्रेंड्स यूपीएससी के 2 या 3 दिनों बाद आएगा। भाई बैच 2 बजे शो करेगा, 2 बजे, दो बजे ऐप पर शो करेगा। अभी केवल उसका इंफॉर्मेशन आया है 13 दिसंबर से क्लासेस। अब फ्रेंड्स यार आप भी समझो ना, 13 दिसंबर से क्लासेस लगने वाली है तो आज तो बैच आएगा ना। 13 दिसंबर से हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट है फ्रेंड्स, 7,500 रुपये फीस है। हाँ थोड़ा वेट कीजिए, 2 बजे तक वेट कीजिए। देखिए ऐप पर अभी भाई थोड़ा वेट कीजिए। दिव्यश्री नेवी एसएसएसआर का तो आ चुका है ना, कब का? एनडीए का वगैरह का तो देखिए आया हुआ है ना बैच अभी, सीडीएस का, एसएससी का। देखिए जो है 7,000 रुपये फीस है। भाई फीस इंग्लिश की भी इतनी रहेगी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ श्वेता जी यूपीएससी बैच आ गया है, 2 बजे से ऐप में शो होगा। देखिए अंकित कुमार जी हैं, इनको दिख रहा है परचेज का, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ।
हाँ भाई, एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लीजिएगा। हाँ थोड़ा वेट कीजिए, 2 बजे तक, 2 बजे तक वेट कीजिए। इन्वॉल्वमेंट का ऑप्शन 2 बजे तक दे दिया जाएगा। मैं चेक करता हूँ, एक बार इन्वॉल्वमेंट का ऑप्शन आ गया तो मैं 2 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ज्वाइन कैसे करना है। और 13 दिसंबर से फर्स्ट क्लास दोस्तों, आज शाम 4 बजे हमारे साथ जुड़ेगा। 13 दिसंबर को जो है पहली क्लास है इसकी। दोस्तों अभी तक देखिए इन्वॉल्वमेंट का ऑप्शन तो नहीं आया है। थोड़ा वेट कीजिए, 2 बजे तक वेट कीजिए, 2 बजे आपको इन्वॉल्वमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अभी केवल बैनर बैनर आया है। भाई बीपीएससी का फीस ज्यादा नहीं होगा, बस इतना होगा कि आप पे कर पाए अच्छे से। हाँ भाई सर, बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम एनसीईआरटी से। भाई देखिए मैं भी चेक कर लेता हूँ, यदि 100 हो रहा तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ एक बार। दोस्तों अभी 100 नहीं हो रहा है, आपको 2 बजे तक वेट करना होगा। 2 बजे आप थोड़ा 2 बजे तक वेट कीजिए। देखिए 13 दिसंबर से आपके क्लासेस लगेंगी यूपीएससी बैच की। भाई आप सभी को थैंक यू वेरी मच, आपने भी इतना सपोर्ट किया इसके लिए। हाँ देखिए मंथली तो फीस पे कर सकते हैं। भाई हिंदी मिल जाता, लेकिन आपको फिर दोनों बाय करना होगा ना। भाई 6 घंटे, देखिए सुबह 11 पर डे 6 घंटे की क्लासेस रहेगी फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता दिया था बैच आने से पहले। हाँ ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन पटना में रहेगा। हाँ बैच कैसे लेना है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए बंगाल के लिए बंगाल पीसीएस बैच भी आएगा वैसे तो, लेकिन एक बार यूपीएससी बैच सेपरेट हो जाए अच्छे से, फिर जो है पीसीएस बैच लाए जाएंगे। ज्वाइन कैसे करना है देखिए, इस बैच में एकदम थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है बेसिक। यूपीएससी बैच ज्वाइन कैसे करना है ये इसमें नहीं, मतलब कि यूपीएससी का नहीं बताया, लेकिन बैच किस प्रकार ज्वाइन करते हैं वो इसमें पूरा बताया हुआ है। तो आप सेम सिमिलरली यूपीएससी का भी ज्वाइन करना है तो आप इधर से देख सकते हैं, ये वीडियो है कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, सेकेंड कम्युनिटी पोस्ट है 1 घंटे पहले की। भाई ऑफलाइन पटना में रहेगा, पटना में। भाई मैं ऑनलाइन रहूंगा, ऑफलाइन तो देखिए मैं काफी दूर हूँ, राजस्थान से हूँ। भाई देखिए सर ने तो पटना का बोला है, लेकिन अब देखिए अभी तक तो ऑफलाइन का पूरा कंफर्म नहीं है। सर ने आज सुबह पटना का बोला था, लेकिन फिर देखते हैं, हमें तो कहीं पर भी आए ना पढ़ना है दिल्ली। देखिए स्वाति जी कह रही हैं कि इनका परचेज हो गया है बेच, फिर भी देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आ गया, मतलब कि परचेज होना शुरू हो गए तो आपको भी बता दूँ ताकि आप भी जाकर परचेज कर लें। फ्रेंड्स अभी तक नहीं आया है, देखिए आप यदि किसी के आया है तो सच सच बताया बताया कीजिए। वीर वीर जी, अच्छा तो आप अजमेर से हैं, हमारे पास ही में अजमेर, राजस्थान के, राजस्थान में। मैं नागौर से हूँ। हाँ भाई परचेज नहीं हो रहा अभी, मैंने भी देखा है अभी जाके,
अभी सिर्फ पोस्टर आया है, तो देखिए पोस्टर आया तो बैच भी आएगा। भाई नागौर में 1952 में पहली बार पंचायती राज शुरू हुई थी, ये नागौर की सबसे बड़ी खासियत है राजस्थान में। और भी जानना चाहते हो तो इसका नाम अहिछत्रपुर है पहले का। भाई यार आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने खान सर के जीएस फाउंडेशन कोर्स पहले से कर रखे हैं, आप मेरे पास ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। इसीलिए मैं जो है अब सीधे यूपीएससी बैच में एंटर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो चुका है। नहीं भाई इंग्लिश मीडियम में आज इन्वॉल्व नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में इन्वॉल्वमेंट जो है 2-3 13 दिसंबर के बाद होगा, कन्फर्म है। 13 दिसंबर तक वेट करना होगा इंग्लिश वालों को। भाई 2024 के लिए होगा, 24 के लिए। यस अखंड भारत खान सर का सपना अब आप सभी को पूरा करना है, अखंड भारत आपको निर्माण करना है। जो 2000 हाँ मैंने भी सर के जितने भी जीएस हैं वो सारे वीडियोस देखे हैं, और अभी भी जितने जीएस के बैच चल रहे हैं उन सब में लाइव रहता हूँ मैं भी। देखिए यदि बेस 2025 के लिए आएगा तो मैं जरूर इन्वॉल्व होऊंगा, लेकिन देखिए 24 वालों के लिए मैं नहीं हो सकता हूँ। देखिए 2 बजे तक आपको वेट कीजिए। नहीं नहीं बैच आ जाएगा, बैच आप एप्लीकेशन में जाइए, आपको ऊपर देखिए पोस्टर दिख रहा है। हाँ भाई देखिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी 2022 में, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। थोड़ा वेट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना 2 बजे तक थोड़ा वेट कीजिए, बैच शो करने लग जाएगा। 13 दिसंबर से बैच की क्लासेस लगने वाली हैं। जो ये 13 दिसंबर आ रही है उस दिन से हिंदी मीडियम वालों के लिए यूपीएससी बैच स्टार्ट है। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक क्लासेस लगेंगी, 7,500 रुपये फीस है। हाँ भाई देखिए इसमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 18 साल के हैं या नहीं है, लेकिन आपको यूपीएससी एग्जाम देने के लिए 21 साल एज चाहिए। भाई 1 साल ड्यूरेशन रहेगी, 1 साल। हाँ भाई पोस्टर आ चुका है, यही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए 2 बजे तक थोड़ा वेट कीजिए, बैच भी आ जाएगा। हाँ इन्वॉल्वमेंट वहां से नहीं होगा, देखिए जैसे आप एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो सामने यहाँ पर पोस्टर आते हैं, उनमें देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर यूपीएससी बैच का ही है, जिसमें आपको पूरी डिटेल दे रखी है। फीस जो है वो 7,500 रुपये हैं। डाउट क्लासेस रहेंगी आपके लाइव, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, वो भी 11 से 3, 6 घंटे की। दोस्तों अभी तक शो नहीं कर रहा है, बैच में इन्वॉल्वमेंट का ऑप्शन अभी तक दिया नहीं है सर ने, थोड़ा वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैंने अपना काम में जो पूरा किया आप सभी को ये बता दिया है कि बैच आ जाएगा, इसलिए देखिए अब मैं भी चलता हूँ। हाँ भाई 3-4 बजे हो जाएगा परचेज। आपके 3-4 बजे तक कंफर्म है परचेज हो जाएगा। और देखिए यदि आपके और भी कोई डाउट है तो 4 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव सेशन होगा, वहां पर जुड़ जाइएगा। अभी देखिए मैं भी चलता हूँ, तो आप एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। हाँ भाई बोलिए वीर जी। हाँ बोलिए वीर जी, बोलिए भाई।
मैं एक बार फिर से एप्लीकेशन पर चेक कर लेता हूँ, यदि शो करने लगा है तो आपको भी इन्फॉर्म कर दूँ। फ्रेंड्स अभी तक तो शो नहीं करा है, लेकिन देखिए 2 बजे के आसपास शो करने लग जाएगा, कंफर्म यही है। फ्रेंड्स एक बार कृपया जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। फिर आप सभी से मुलाकात करते हैं शाम को 4 बजे। दोस्तों मेरे पता नहीं आज कीबोर्ड में आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। हाँ देखिए यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेच ले सकते हैं। आप BA फर्स्ट ईयर में, मतलब कि आपका फर्स्ट ईयर हो गया है या अभी नहीं हुआ है, एक मतलब कि इस साल हैं आप फर्स्ट ईयर में। हाँ प्रियंका जी, मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में इस साल हैं या। देखिए आप टेलीग्राम, प्रियंका जी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से इस कम्युनिटी पॉइंट पोस्ट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, शाम 4 बजे वहाँ पर जो है ज्योग्राफी का आंसर पढ़ाएंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भाई। नहीं भाई हमारे अभी नहीं आया है, काफी सारे भाई कह रहे आ गया भाई, बेच आ गया है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। फ्रेंड्स बैच लॉन्च हो गया है। हाँ तो भाई बोलिए ना, आपने कमेंट कहाँ किया था वापस। भाई बेच आ गया है, इन्वॉल्व का वीडियो मैंने आज से 4 दिन पहले बता दिया था, बेच आ गया है। खान सर का बेच आ चुका है दोस्तों, इन्वॉल्वमेंट ऑप्शन दे दिया गया, आप वहां से इन्वॉल्व हो सकते हैं। UPSC 31 दिसंबर 2023 तक उसकी वैलिडिटी है दोस्तों। ये बेच 2023 वालों के लिए आया है, 23 और 24 वालों के लिए आया है। भाई थोड़ा नीचे बेच नीचे है, ठेठ नीचे जो एप्लीकेशन में जितने भी बेच दिख रहे हैं ना उनमें सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए। जैसे ही देखिए आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसमें सबसे नीचे UPSC IAS का बेच दिख रहा है आपको। अब देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 7,500 रुपये ओनली 2 दिनों के लिए, जो आने वाले 2 दिन है ना उनके लिए। फिर आपके बेच फीस बढ़ जाएगी और 13 दिसंबर को पहली लाइव क्लास होने वाली है दोस्तों। आप में से किस किस बाई के एप्लीकेशन में शो हो रहा है बैच, एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी। नहीं नहीं भाई ये बैच ओनली इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है अभी। आप एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल कीजिए, फिर से इंस्टॉल कीजिए। यस यस बेच आ गया है। हाँ भाई बेच कोई ले सकता है, इंजीनियर वाला हो या कोई भी। ओके तो भाई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ इतने बने रहे। हाँ भाई परचेज हो रहे हैं बेच अब। भाई बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैच 4 दिन बाद आएगा, 13 दिसंबर के बाद, 13 या 15 दिसंबर को। आप एक बार अब जय हिंद जरूर टाइप कर दीजिएगा, किस किस भाई को बैच शो कर रहा है आप जरूर बता दीजिएगा। जिस जिस भाई के बैच टाइप कर रहा है वो जय हिंद लिखेगा।
भाई फ्री क्लासेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए आप। वीरू जी आप एक बार आप फिर से कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए ना, एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए वीरू जी। भाई देखिए कल आपको, हाँ भाई हिंदी मीडियम का ही आया है आज। वीरू जी यदि आप हैं तो एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। भाई देखिए फ्री क्लासेस अभी तो हम चाहें तो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा सकते हैं। भाई देखिए मैंने पहले ही कहा था, हाँ वीरू जी बोलिए आप, बोलिए जल्दी बोलिए। बैच आ गया, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि बैच यदि 2024 वालों के लिए आएगा, 25 वालों के लिए आएगा तो मैं परचेज करूंगा। नहीं भाई इंग्लिश मीडियम वाले देखिए भूल कर भी मत लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बाद में आएगा। हाँ भाई परचेज ओपन हो गए हैं वीरू जी। नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले देखिए पहले, एक मिनट में फिर कंफर्म कर लेता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए एक मिनट के लिए। हाँ तो बेच आप देखिए एक बार सभी परचेज कर, आपको ने मैंने जो नंबर दिए ना उस पर कॉल कीजिए आप एक बार। देखिए दिव्य श्री जी का इन्वॉल्व हो गया है, प्रियांशी जी बेच जो है आप एक बार सबसे नीचे एप्लीकेशन में सबसे नीचे जाइए, जितने भी बेचेज हैं उनमें सबसे नीचे हैं। हाँ भाई 2024 वालों के लिए अर्चना जी, देखिए बेच आप एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए सबसे नीचे यूपीसी, देखिए श्री प्रसाद जी, श्री प्रसाद जी ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला आप ये वाला वीडियो देखिए। हाँ 2024 वाले ले सकते हैं। वीर जी आपने यार बोला था कि एप्लीकेशन परचेज हो गया है बेच, तो हमने रिप्लाई दिया था ना आपको। भाई इंग्लिश वाले आज नहीं ले सकते हैं, ले देखिए एप्लीकेशन में आपको पहले है ना, मैंने जो नंबर टाइप किए मैं एक बार फिर से टाइप कर देता हूँ, आप उस पर कॉल कीजिए एक बार। अभी कॉल नहीं लग रहा है मैं जानता हूं, क्योंकि यूपीएससी बैच आया है ना इसी कारण से। इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए, 2025 वाले ले सकते हैं। भाई देखिए 2025 वाले चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि 2025 में उन्हें एग्जाम देना होगा। भाई ये हिंदी मीडियम है, लेकिन आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए एक बार। हाँ आ गया है बिरू जी, आ गया है बेच। स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, नहीं कोड वर्ड कुछ नहीं लगेगा, अभी जो है आपके पास रेफरल कोड नहीं है इसी कारण से। रेफरल कोड आपको कुछ नहीं डालना है वहां पर, ध्यान रखिएगा। हाँ वीरू जी सुन रहा हूं मैं आपका, कमेंट भी पढ़ा हूं, आपने रिप्लाई भी दिया है मैंने, आपने सुना नहीं होगा। भाई कूपन्स कुछ नहीं है, वो बस इसीलिए है ताकि यदि किसी के पास में जो है सर, जब यूपीएससी बैच आ जाएगा ना, तब आप उन टीचर से जिसे आएंगे तो वहां से कूपन कोड भरना है, आपको कूपन कोड नहीं भरना है अभी। हाँ बोलिए वीरू जी क्या क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर से बोल दीजिए वीरू जी। कोड कुछ नहीं, आप ये वीडियो देख लीजिए एक बार, ये वाला वीडियो, यहाँ से आपको ज्वाइन करने का पता चल जाएगा। वीरू जी एक बार, इंग्लिश मीडियम का 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को आएगा।
इंग्लिश मीडियम का 14 या 15 को आएगा वीरू जी, एक बार फिर से बोल दीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं वीर जी। वीर गुजर जी, इंग्लिश मीडियम का 14 या 15 तक आ जाएगा भाई। आप में से परचेज किस किस ने कर लिया है बैच, एक बार हमें बता दीजिए भाई। आप लाइव वाले ऑप्शन में जाइए, लाइव बैच का ऑप्शन है ना। केसी जी, कोड कुछ नहीं, आपको कोड कुछ नहीं डालना है भैया, मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, कूपन कोड कुछ नहीं डालना है आपको। ये वाला वीडियो देख लीजिए आप, यदि कूपन कोड में कंफ्यूजन है तो आपको कूपन कोड नहीं डालना है, सीधा बेच नाउ पर जो है बाय नाउ पर क्लिक कर लेना है। कूपन कोड कुछ नहीं है, आपको बस बाय नाउ पर क्लिक करना है और कुछ नहीं है। हाँ इंडियन, मेरी जान बाय हो रहा है, लाइव बैच हो रहा है। लाइव बैच में सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे। नहीं भाई किस्तों पर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ईएमआई पर आपके पेमेंट ज्यादा रहेगा, लगभग 9,000 के आसपास पड़ेगा। एप्लीकेशन में लाइव बैचेज पर जाइए, ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला, इसमें सब कुछ बताया है। और कूपन कोड कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। किस किस ने बैच ज्वाइन कर लिया है, एक बार यस टाइप कर दीजिए। बैच ज्वाइन किस किस ने कर लिया है, एक बार यस टाइप कर दीजिए प्लीज। हाँ कल तक, परसों तक परचेज कर सकते हैं आप, 2 दिनों तक परचेजिंग रहेगा, 7,500। प्रियांश, प्रिया श्री जी, 2 दिनों तक भाई बेच बाय क्यों नहीं, आप एक बार क्लिक कीजिए बाय नाउ पर, बेच बाय हो जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, कूपन कोड कुछ नहीं डालना है आपको, सीधे बाय नाउ पर क्लिक करना है और वहां से आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो में, इस वाले वीडियो में। और यदि और भी कोई क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, 4 बजे हम लाइव आने वाले हैं आज। हाँ कायरा जी, एप्लीकेशन पर बैच आ चुका है, हमने कब का बता दिया है। अरे अब कितनी बार बोलूं यार, कूपन कोड कुछ नहीं है, आपको सीधे वहां पर जाना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, बाय करना है। आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, ये वाला, या फिर इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, कूपन कोड कुछ नहीं है। कंचन कुमारी जी, 2026, देखिए 2026 वाले आप अभी मत लीजिए, यदि आप अभी आप केवल जीएस के फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए, अभी जो है आप फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए जीएस के। हाँ कूपन कोड डालने पर डिस्काउंट मिलता है, बट अभी कूपन कोड बनाया नहीं है, बनाया नहीं गया है। फैकल्टीज के बारे में आपको या तो आज या कल शाम को यूट्यूब पर पता चल जाएगा। देखिए 2026 वालों के लिए बैच आया नहीं अभी, इसका फीस जो 2024 वालों के लिए आया है ना, उसका 7,500 रुपये फीस है। और भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी 4 बजे हम टेलीग्राम पर आने वाले हैं। ये दिवी जी ने खरीद लिया है, बेस्ट ऑफ लक आपको, आप जरूर कामयाब हो, आईएएस बनकर अपने माता पिता का सपना पूरा करें। नहीं भाई फीस कल नहीं बढ़ेगा, फीस परसों बढ़ेगा, ऑफर 2 दिनों के लिए है।
फीस देखिए, आप परसों लेंगे, परसों से बाद में लेंगे ना, तो आपको 8,000 देना पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। ये वाला बेच कंचन जी, ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला आपको फाउंडेशन कोर्स बेच लेना है ना, तो ये वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो में बताया हुआ है फाउंडेशन कोर्स कैसे लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, कोड कुछ नहीं है, अभी तक कोड सर ने बनाया नहीं है, तो मैं आपको बता देता, कोड अभी तक कोई कोड नहीं है। आप कोई सा भी बेच लेंगे ना, तो उसमें वो कोड बताएगा अभी आपको। वीर जी यार, देखिए आपका क्वेश्चन अभी तक मेरे पास, आपका ये अब लास्ट कमेंट आया है, यदि आपका क्वेश्चन आ जाता तो मैं बता देता। आप है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से, और वहां पर जो भी क्वेश्चन है वो हमें पूछ सकते हैं आप। फ्रेंड्स, आप जो भी कोड का पूछ रहे हैं ना, तो कूपन कोड अभी तक कुछ नहीं बना है। अनीस अग्रवाल जी, आप ना एप्लीकेशन डाउनलोड है आपके पास, तो सपोर्ट वाले या अबाउट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और वहां से आप एक बार सर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। भाई बैच शो करने लग गया है एप्लीकेशन को, यदि शो नहीं कर रहा है तो एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल कीजिए या डिलीट कीजिए वो मोबाइल में से, फिर प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए। किस किस भाई ने एप्लीकेशन में बैच बाय कर लिया है एक बार कमेंट करेंगे। यस, जिस जिसने बाय कर लिया है, हाँ थोड़ा वेट कीजिए, रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको, एक बार देखने दीजिए मैसेज। हाँ रेखा जी, आपको बैच मिल गया है, सक्सेसफुल हो गया है। विकास यादव जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके बैच क्यों नहीं बाई हो रहे हैं। सुप्रिया जी, यार सबको बोल चुका हूँ कोड कुछ नहीं डालना है आपको, सीधे एप्लीकेशन बाय कर, एप्लीकेशन में बैच बाय करना है, कोड अभी सर ने बनाया नहीं है। हाँ थोड़ा वेट कर लीजिए शाम तक आप एक बार अनीश जी। हाँ 1 साल तक वैलिडिटी है इसकी, अगले दिसंबर 2023 तक। भाई ईएमआई की व्यवस्था नहीं की है अभी, ईएमआई पर लेना है आपको तो थोड़ा वेट कीजिए। देखिए ईएमआई पर आपके फीस कॉस्ट ज्यादा लगेगी, इसीलिए सर ने एक बार ही रखा है। हितेश जी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए खान सर ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा। हाँ सबके शो करने लग गया है अब, देखिए शो करने लग गया है, 7,000 रुपये फीस है। मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 2024 वालों के लिए ये बैच है, जो 2024 में फ्री देंगे ना उनके लिए। देखिए 31 दिसंबर इसकी जो लास्ट डेट है, जब आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं ना, एक बार रुकिए, लाइव बैच में जाइएगा और फिर सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सबसे नीचे तो आपको यूपीएससी का बैच दिखेगा। ठीक है बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा और देखिए 7,500 पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। आपके पास कूपन कोड नहीं है अभी, आपको कोई भी कूपन कोड नहीं डालना है। फिर देखिए आपके सामने एक बैंक का ऑप्शन जो है पेज होगा, जिसमें आपको जितने भी यूपीआई हैं, अब देखिए ईएमआई, जितने भी फोन पे या फिर पे वाले ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, वहां से पे कीजिए। ओके तो फ्रेंड्स, अब देखिए फाइनली बैच आ चुका है, लेकिन यदि आप लिंक देखिए आपको यहां से मिलेगा, यहां
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 4 बजे हम आपसे बात कर लेंगे। नहीं भाई, ईएमआई वाला ऑप्शन नहीं है अभी, आप ईएमआई वाले पर नहीं जाइएगा। आपको देखिए ये वाला लिंक है, ये वाला। मैं आपको एक बार फिर से, यदि लाइव में आता है लिंक तो मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है ना? ये वाला लिंक है। यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से। पे का ऑप्शन, भाई पे का ऑप्शन है, आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, फिर पे नाउ पर क्लिक कीजिए, लाइव बैच पर क्लिक कीजिए। आप पोस्टर पर क्लिक मत कीजिए, लाइव बैच पर। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब यदि आपके और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको देखिए ये लिंक दे रहा हूँ यहाँ से, गणेश जी ऐप ऑन नहीं हो रहा है, आपके डाटा का शायद मिस्टेक है। आप एक बार एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, और जो है एक बार फ्लाइंग मोड ऑन कीजिए मोबाइल में। आप भाई लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अभी 4 बजे हम लाइव आने वाले हैं वहां पर। ओके तो जय हिंद। अब यदि और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, 4 बजे लाइव आने वाले हैं हम। वैलिडिटी 1 साल की रहेगी ब्रदर अशोक कुमार जी, 1 साल की वैलिडिटी है, आप बेफिक्र रहिए, 2023 तक बेच रहेगा। हाँ भाई ज्वाइन कर सकते हैं। प्रियंका जी देखिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला। जितने भी भाई हैं सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। 4 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, आज 4 बजे लाइव जुड़ जाइएगा। देखिए आप सब एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 4 बजे हम आपके साथ। ऐप में शो नहीं करना, ऐप में शो कर रहा है बैच, यूपीपीसीएस के लिए भी अलग से बैच आएगा। आप सब एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके साथ हम 4 बजे लाइव आ जाएंगे वहां, ठीक है? तो मैं इस भाई, यदि गूगल पे घर में आपके किसी के भी पापा मम्मी का या फिर किसी का भी एटीएम हो तो वहां से आप कर सकते हैं पे। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता दिया है ना, इस वीडियो में आप ये वीडियो देख लीजिए एक बार, मेरे कहने पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। भाई इकोनॉमिक्स का अभी सर ने कंफर्म नहीं बताया है, आप एक दिन और वेट कीजिए, पूरा चल जाएगा। ये देखिए वीरू जी ने परचेज कर लिया, बेस्ट ऑफ लक वीरू जी। भाई ये हिंदी मीडियम का बैच है। अब देखिए सब 4 बजे, अब देखिए जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हाँ यूपीपीसीएस के लिए अलग से बैच रहेगा। ओ साशिता जी फोन पे नहीं हो रहा है तो घर में एटीएम होगा किसी का भी, तो उस एटीएम से कर लीजिए आप। भाई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए सेम प्राइस रहेगी। हाँ ये देखिए गूगल पे पेटीएम, इंग्लिश मीडियम का 15 दिसंबर के बाद आएगा, 15 दिसंबर के। हाँ इंग्लिश मीडियम का भी अवेलेबल होगा, बीपीएस में पीसीएस का भी। हाँ बीपीएससी का होगा, लेकिन बीपीएससी का बैच अलग आएगा कुछ दिनों बाद। आप सबके जो जो क्वेश्चन है आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम।
भाई चंदन जी, सर ने आज सुबह बताया है कि ये बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं। हमने देखिए पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था, मैं जानता था ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को जो ये 12 बजे वाला लिखा है ना, इस वीडियो को। इंग्लिश का बैच अलग से आएगा, अलग से। हाँ भाई बैच स्टार्ट 13 दिसंबर से हो जाएंगी, 13 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हैं। खान सर का आप देखिए, खान सर ने बोला तो है वो बैच में पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वो। अब ये पता नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में तो वो कंफर्म पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। हाँ भाई यूपीएससी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अभी थोड़ा बाद में आएगा, थोड़ा वेट कीजिए आप। हाँ वैलिडिटी 2023 से लास्ट 2023। भाई बीपीएससी के लिए थोड़ा वेट कीजिए, पीसीएस बैच आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओके तो फ्रेंड्स ये लाइव चैट में यहीं पर एंड करता हूँ, यदि आपके और कुछ डाउट हैं। हाँ यूपीएससी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। भाई बैच आ चुका है ना हिंदी मीडियम का, तो इंग्लिश मीडियम वाला जो है थोड़ा वेट करना होगा आपको, 2-3 दिन और वेट कीजिए। ये रहा देखिए लिंक, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला लिंक, इस पर क्लिक कीजिए आप। हाँ यूपी पीसीएस के लिए अलग से बैच आएगा 13 दिसंबर से, अभी से एक भाई 13 दिसंबर से बैच शुरू होगा, आज आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके तो फ्रेंड्स एक बार जय हिंद सभी को। अब यदि कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा शाम 4 बजे। जय हिंद दोस्तों, एक बार जय हिंद टाइप कर दीजिए, जिसके बाद में ये लाइव क्लास। देखिए भाई आपके, आप जो भी क्वेश्चन है आप शाम को पूछ सकते हैं 4 बजे, अभी आप एक बार जय हिंद टाइप कर दीजिए। जय हिंद। हाँ भाई बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है ओनली। अब देखिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में 4 बजे की जो लाइव क्लास सेशन रहेगा टेलीग्राम पर, वहां पर पूछ लीजिएगा आप, ठीक है? आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिस जिस भाई ने बैच बाय किया है उस सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत ही जल्द आईएएस बने हैं। हाँ भाई बैच एप्लीकेशन पर आ गया है, कब का हमने बता दिया है, बाय करने का तरीका भी बता दिया है सभी को। हाँ बोलिए। देखिए आप सब एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पर कुछ भी क्वेश्चन हो। ये बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, जी हाँ ये बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल। जी बैच एकदम हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल। हाँ 2024 वालों के लिए है भाई बैच, 2023 वालों के लिए भी है, आप 23 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। ओके तो दोस्तों आप सभी को जय हिंद। भाई 22 का तो यार मेंस का रिजल्ट भी आ चुका है ना, 23 और 24 का साथ में होगा, 23 और 24 का। अब देखिए फिर भी यदि कोई क्वेश्चन होता है तो मैंने देखिए टेलीग्राम लिंक तो आपको दे रखा है ना, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेता हूँ क्या लिंक दे रखा है क्या मैंने।
दोस्तों डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं दे रखा है मैंने उसका, कोई नहीं, मैं आपको एक बार लिंक दे दूंगा वहां पर मेनली। आप देखिए यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ चैनल। भाई 2 साल का साथ में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 1 साल का ही होगा अभी तो। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। अभी 4 बजे इस पर हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? आप देख सकते हैं अच्छे से, ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैंने कमेंट में डाल दिया है। तो इसी के साथ में मैं इस लाइव चैट को करता हूँ एंड दोस्तों। आपको, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिस जिस भाई ने यूपीएससी का बैच बाय किया है, वो सभी का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो और वो आईएएस बनकर अपने घर लौटे। प्रभाकर जी, दो ढाई ढाई बज गए हैं, तो बैच कब का आ चुका है? बैच मैंने कहा था 2 बजे बैच आ जाएगा, 2 बजे बैच आ चुका है। हितेश जी, खान जीएस रिसर्च सेंटर एप्लीकेशन है। ये है खान सर ऑफिशियल ऐप, ठीक है? और उनके चैनल का नाम है खान जीएस रिसर्च सेंटर, जिस पर सभी फैकल्टीज अवेलेबल की जाएंगी। हाँ भाई, सबको बेस्ट ऑफ लक है। आप सब जल्दी से जल्दी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करें, आईएएस बने, अपने घर का सपना, अपने माता पिता का सपना पूरा करें। यही मेरी भी आप सभी को, और आप भी मुझे यही आशीर्वाद दें या दुआ दें, यूं समझ लीजिए। प्रभाकर जी, सबसे नीचे, सबसे ऊपर नहीं, सबसे नीचे शो कर रहा है यूपीएससी बैच, सबसे नीचे। जितने भी बैचेस हैं ना, जैसे कि एसएससी जीडी वो सारे बैच हैं, उनमें सबसे नीचे यूपीएससी बैच हैं, वहां से ज्वाइन कीजिए आप। दोस्तों देखिए क्लास को एंड करें, यदि आपका कोई डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को बाय और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों? आप सभी टेलीग्राम पर आ जाइएगा याद से 4 बजे, 4 बजे लिंक दे दिया है मैंने, वहां पर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है? धन्यवाद।